हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इस्लाम साबिर अंडी और वॉचिंग नाउ आई एस अंसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के बीएड एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जो कि 12 मार्च है लास्ट डेट इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए। तो बीएड का एग्ज़ाम फॉर्म आज की इस वीडियो में आपको भर के दिखाने वाला हूँ, और क्या क्या आपको सावधानी रखना है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, किस टाइप से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, किस टाइप से उसे ओपन करना है, इन सभी बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप भी अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी जानकारी आपको लगातार समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, दोनों ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करते हैं तब आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल में इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तब आप गूगल क्रोम ब्राउजर में ही ओपन करें, तब ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, इस टाइप से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें एक बार टिक लगा देना है। जैसे ही यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ये वेबसाइट कुछ ठीक से ओपन होकर आ जाएगी आपके सामने इस टाइप से। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो थ्री लाइन्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये जो नीचे वाली थ्री लाइन्स हैं, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको फिल न्यू फॉर्म ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे इस टाइप से, आपके सामने ये सारे ओपन होकर आ जाएंगे, ये जो मेनू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजी पीजी प्रोफेशनल ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको इस टाइप से ओपन होकर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्ज़ाम टाइप में आपको अपना एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप बीएड के एक्स स्टूडेंट हैं तब आपको यहाँ ऊपर देख सकते हैं पीजी प्रोफेशनल ईयरली एक्स स्टूडेंट, ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर पीजी प्रोफेशनल ईयरली रेगुलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से रेगुलर स्टूडेंट वाले फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप बीएड के साथ साथ एमएड का ऑप्शन भी, अगर आप एमएड का फॉर्म भरना चाहते हैं उसे भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इस टाइप से आपको बीएड फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च इन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आपने 2018 में दिया था, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इस कॉलम में आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके ये रोल नंबर लिख दिया है, जो भी आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम का रोल नंबर था बीएड का। और उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम या फिर मदर नेम लिखना है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग लिखना है ये बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अगर आप एक भी लेटर के में मिस स्पेलिंग करते हैं तब आपका फॉर्म बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, और आप बहुत परेशान होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इसी वजह से परेशान होते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है इस वाले कॉलम में बी एड इंट्रेंस एग्ज़ाम का, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम या फिर मदर नेम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो कैप्चा कोड आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ इस बॉक्स में फिल कर देना है। अगर ये कैप्चा कोड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सर्किल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी है। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। मैंने उन लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े एवं समझ लिया है, और मैं इसे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मेनली ओपन होकर आ जाएगा, और इस वाले फॉर्म को आपको ठीक से भरना है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फिल करके आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएन नंबर, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद है इनरोलमेंट नंबर, अगर आपने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है
तब आपको इस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर लिखना है। अगर आपने MGPRU बरेली के अलावा किसी अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तब आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट नेम जो कि लिखा हुआ आ रहा है, फादर नेम जो कि लिखा हुआ आ रहा है, मदर नेम में आपको अपना मदर नेम बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी में यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुई आ रही है। उसके बाद डोमिनिकल स्टेट ये भी आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। और रिलीजन में आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं करंट एड्रेस में आपको अपना करंट एड्रेस बिल्कुल ठीक ठीक प्रोवाइड कराना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड कराना है। उसके बाद मीडियम में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक मीडियम चूज कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स इज एप्लीकेबल। अगर आपके पास माइग्रेशन का सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है, इस टाइप से। या जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है यहाँ पर और डेट ऑफ इशू लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पर चूज़ करना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको यहाँ से नो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और पेपर्स की डिटेल्स यहाँ पर सबसे पहले चूज़ करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कॉलेज नेम वगैरह है और कोर्स नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन इस टाइप से सिलेक्ट करना है। उसके बाद सारे ही पेपर्स आपके सामने ऊपर होकर आ जाएंगे। जो 7 नंबर का पेपर है यहाँ से आपको अपना एक पेपर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट को यहाँ से आप लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ से आप को चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। इस टाइप से आपको जो भी ठीक लगे उसे आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट का नंबर लिखना है, मार्कशीट नंबर आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है। हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है उसका ईयर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। और जो मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए थे, मार्क्स जो आपको प्राप्त हुए थे हाई स्कूल में, उन मार्क्स को यहाँ पर आपको लिखना है। आफ्टर दैट जो आपका टोटल मार्क्स थे हाई स्कूल में, यानी कि आपका रिजल्ट था वो टोटल 500 नंबर का या 600 का जितने का भी था उसे आपको इस वाले कॉलम में लिख देना है। उसके बाद इसी टाइप से यहाँ पर आपको अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल यानी कि 12th क्लास की डिटेल बिल्कुल सेम टू सेम हाई स्कूल की डिटेल के अकॉर्डिंग ही लिखना है यहाँ पर। जिस टाइप से सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करना है जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। सारी स्ट्रीम यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी स्ट्रीम यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से अदर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपना 12th क्लास का रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है, यहाँ पर आपको अपना ऑब्टेंड मार्क्स लिखना है जो आपको मार्क्स प्राप्त हुए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉलम में आपको टोटल मार्क्स लिखना है जितने में से आपको मार्क्स मिले थे, यानी कि आपका जो मार्कशीट का टोटल मार्क्स थे उस मार्क्स को यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा ग्रेजुएशन यूजी एजुकेशन डिटेल्स को यहाँ से आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन में जो कोर्स आपने किया है, जैसे कि अगर आपने BSc BCom इस टाइप से आपने जो कुछ भी कोर्स किया है BA वगैरह उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हम यहाँ से BSc सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन का रोल नंबर, लास्ट ईयर का जो अपने का रोल नंबर था फाइनल ईयर का, उसे यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में फाइनल ईयर आपने पास किया है इसके यहाँ पर लिख देना है। ऑप्टेंड मार्क्स जो टोटल आपके मार्क्स ऑप्टेंड किए हैं आपने उन मार्क्स को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद टोटल मार्क्स जो कि आपकी मार्कशीट में टोटल मार्क्स होते हैं उन मार्क्स को यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपने PG का कुछ भी किया है, PG में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसे आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MA MSc MCom साइड डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो अब आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया है तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस वाले कॉलम को आपको फिल नहीं करना है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं किया है, इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दें।
और उसके बाद नीचे जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जो कि फॉर्म भरने से पहले ही आपको स्कैन करके रख लेना, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो अपलोड करने की साइज़ है फाइल का साइज़, वो मैक्सिमम 20 KB है। 20 KB से यहाँ पर ज़्यादा की फाइल साइज आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर फाइल साइज आप चेंज कर लें स्कैन करने के बाद, और आपकी जो फाइल साइज है वो 20 KB से कम का ही रखें। और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। जैसे ही आपका पर आप कैप्चा कोड फिल कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने जो सेव फॉर्म का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव फॉर्म पर क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस होगा, और वहाँ पर आपको अपनी फ़ीस पे करना है। फ़ीस पे करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली PDF फाइल में ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, और उस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी अपने संबंधित कॉलेज में सबमिट करना है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, इस फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में 13 मार्च तक अवश्य रूप से जमा कर देना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं तब आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी तक फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, और जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो इसकी हार्ड कॉपी आप ध्यान से ज़रूर सबमिट कर दें, ताकि आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी तक फॉरवर्ड हो पाए और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड जल्द जारी हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग अपना फॉर्म आसानी से भर पाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी जानकारी आपको लगातार समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।